फाइव ऑफ कप्स। तो ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि एक इंसान खड़ा है, उसके आगे तीन कप पड़े हैं जो कि गिरे पड़े हैं, और उसके पीछे दो कप हैं जो कि अभी भी इंटैक्ट हैं, जो कि सही है सब कुछ। तो जब भी हम इस इमेज को देखेंगे तो हमारे माइंड में यही आ रहा है कि हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा कम हो रहा है, क्योंकि तीन गिरे हुए हैं और दो जो कार्ड हैं, दो कप हैं वो खड़े हुए हैं। तो सपोज़ कोई इंसान आता है कि मैं कोई ये बिज़नेस कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, या प्रॉपर्टी ले लूँ, तो हम उसको अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज उसको ऐसे में लॉसेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज एक कार्ड लॉस को ज़्यादा दिखा रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक सजेशन भी हम उसको देंगे कि